कब्ज, सर्दी, खांसी, लूज मोशन आदि आम तकलीफें हैं। इन दौरान खानपान का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि इससे आपको रिकवरी में मदद मिलती है। आइए जानते हैं क्या होने पर क्या छोड़ने से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। जब कब्ज करे परेशान, तब चॉकलेट से कर ले तौबा। इसका सबसे पहला कारण यह है कि चॉकलेट में शक्कर और कैफीन की मात्रा काफी अधिक होती है। जहां शक्कर को प्रोसेस करना आसान नहीं होता, वहीं कैफीन के चलते डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन यानी जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तब मल सख्त हो जाता है। इसके अलावा चॉकलेट बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कब्ज को बढ़ा सकता है। वैसे भी डेयरी प्रोडक्ट्स लैक्टोज की मौजूदगी के कारण कब्ज बढ़ा देते हैं। अतः यदि आप कब्ज की समस्या का सामना कर रहे हों, तो दूध की मौजूदगी वाले चॉकलेट को दूर से ही सलाम करने में भलाई है। तो क्या खाएं? कब्ज से राहत पाने के लिए ढेर सारे तरल पदार्थों को पेट में जाने दें। बीन्स, दालें, साबुत अनाज और फाइबर से भरपूर चीजें खाकर भी आप कब्ज से जल्द निपट सकते हैं। जब पेट खराब हो जाए, तब खट्टे फल न खाएं। खट्टे यानी सिट्रस फल हमारी सेहत के सबसे अच्छे दोस्तों में गिने जाते हैं, पर जब आपके पेट में उथल पुथल मची हो यानी पेट खराब हो, तो विटामिन सी से भरे यही दोस्त हमारे दुश्मन बन सकते हैं। कारण यह कि खट्टे फलों में एसिड की मात्रा काफी अधिक होती है, वे पेट में हलचल मचा सकते हैं। खट्टे फलों के साथ साथ टमाटर आदि भी न खाएं, क्योंकि वो भी एसिडिक होता है। तो क्या खाएं? केला, पपीता, दही, चावल, ओट्स और सौंफ आदि से अपसेट स्टमक यानी खराब पेट को दुरुस्त करने में मदद मिलती है। जब सर्दी से हो हैरान, तब मीठे ड्रिंक्स से बनाएं सुरक्षित दूरी। जब हमें सर्दी होती है, तो ऐसा लगता है कि शरीर से पूरी ऊर्जा निचुड़ चुकी है। ऐसे में हम शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं। अपनी इस इच्छा के आगे हथियार डालने का मतलब है अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को और कमजोर बनाने की दिशा में कदम उठाना। दरअसल मीठे ड्रिंक्स के चलते वाइट ब्लड सेल्स वायरस से लड़ पाने में खुद को सक्षम नहीं पाते। तो क्या खाएं? आप फल और सब्जियां खा सकते हैं। इनसे आपको पर्याप्त पोषण मिलता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए हॉट ड्रिंक्स या गर्म पानी पिएं। आप सूप पिएं। वैसे भी सर्दी होने पर चिकन सूप पीने की सलाह आज की नहीं है। जब कफ सताए, तब दूध को कहें बाय बाय। वैसे तो दूध कफ पैदा करने के कारकों में नहीं है, पर कफ होने पर इससे बचकर ही रहा जाए तो बेहतर होगा। दरअसल दूध खुद म्यूकस बलगम नहीं पैदा करता, पर पहले से मौजूद बलगम यानी कफ को गाढ़ा करने में मददगार होता है। यह समस्या को बढ़ाकर आपको परेशान कर सकता है। तो क्या खाएं? कफ वाली स्थिति में पानी पीना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। पानी से म्यूकस पतला हो जाता है और आसानी से बाहर निकल जाता है। रही खाने की बात, तो आप खट्टे फल खा सकते हैं, क्योंकि उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो आपको राहत पहुंचाते हैं। जब जब दस्त से हाल हो बेहाल, तब प्याज से बनाएं दूरी। प्याज, बीन्स, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों से पेट में गैस हो जाती है, पेट फूल जाता है और दस्त की समस्या और गंभीर हो जाती है। इसके अलावा दूध, चीज और बटर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स से बचना चाहिए। इनमें लैक्टोज होता है, जो मामले को और बिगाड़ सकता है। हाँ, फाइबर की अधिकता वाली चीजें भी न खाएं। तो क्या खाएं? केला, दही, दही चावल, टोस्ट, उबले आलू और ओटमील खाने से आपको आराम मिल सकता है। हाँ, दस्त के दौरान इस बात का खास ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी न होने पाए। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखें, उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आए तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं और हमारे चैनल को वह अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें hashmi.com चैनल और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप hashmi.com की हर लत संबंधी जानकारियों की वीडियो सबसे पहले देख पाएं।